हैदराबाद कॉन्सुलेट में इस बार ज़्यादातर रिजेक्शन हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है और कौन से नए क्वेश्चन है स्पेसिफिकली हैदराबाद कॉन्सुलेट के लिए, आज हम वो जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। वेलकम टू माय वीडियो, मेरा नाम है जानवी और मैंने यूएसए में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। मैं यूएस वीज़ा रिलेटेड वीडियो और यूएस में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होती है इसके ऊपर भी वीडियो बनाते रहती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हैदराबाद कॉन्सुलेट में क्यों रिजेक्शन हो रहे हैं हम वो अभी देखते हैं। सबसे पहले तो फॉल 2024 के लिए बहुत सारे स्लॉट जो है हैदराबाद कॉन्सुलेट के लिए ओपन हुए हैं, तो जब मोर स्लॉट्स होते हैं तो मोर वीज़ा इंटरव्यू और मोर वीज़ा इंटरव्यू तो मोर वीज़ा रिजेक्शन भी आपको सुनने को मिलता है। तो ये अगर हम रिजेक्शन रेट देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्सुलेट ये सेम ही है, बस इस बार हैदराबाद कॉन्सुलेट में ज़्यादा वीज़ा स्लॉट्स ओपन हुए हैं। तो अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू भी हैदराबाद कॉन्सुलेट में है तो कैसे आप अपने रिजेक्शन से बचे ये अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो आप अपने माइंड में ये लेके मत चलिए कि अगर हैदराबाद कॉन्सुलेट है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस बार बहुत ज़्यादा स्लॉट्स रिलीज हो गए हैं इसलिए ज़्यादातर इंटरव्यू हैदराबाद कॉन्सुलेट में हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर रिजेक्शन हमें हैदराबाद कॉन्सुलेट में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका भी अभी हैदराबाद कॉन्सुलेट में वीज़ा होगा उसका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वीज़ा सेकेंड अटेम्प्ट में हैदराबाद कॉन्सुलेट में अप्रूव हुआ है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फोर्थ अटेम्प्ट में भी अप्रूव हुआ है, और मेरा खुद का वीज़ा जो है फोर्थ अटेम्प्ट में अप्रूव हुआ था यूएस का। अगर आपका भी वीज़ा कभी रिजेक्ट हुआ हो या फिर आप फर्स्ट टाइम हैदराबाद कॉन्सुलेट में या किसी भी कॉन्सुलेट में वीज़ा इंटरव्यू दे रहे हो तो ऐसे क्या नए क्वेश्चन है जो कि आपको प्रिपेयर करने चाहिए और पहले से प्रिपेयर होके जाइए ताकि आपका वीज़ा रिजेक्शन का चांस जो है कम हो जाए। और अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको सडन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ पर जाके ब्लैंक ना हो। अब तो पहले कैसा होता था कि स्पेसिफिक क्वेश्चन होते थे जो कि आपको जैसे कि यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या फिर यूएस वीज़ा से रिलेटेड आपको पूछे जाते थे आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होते थे, इसके ऊपर ही वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं आपको क्वेश्चन पूछते थे। पर आजकल क्या हुआ है कि थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे ही पर साथ में इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो अभी क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। कैजुअल कन्वर्सेशन में वो आपको पूछ सकते हैं कि आप अदर देन स्टडी यूएस में क्या करोगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आप यूएस के बारे में क्या हेट करते हो, कुछ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस आपका बताइए या फिर आपके करंट जॉब में आप क्या हेट करते हो, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक करेक्ट या रॉन्ग आंसर तो नहीं होता है, बस आपको ध्यान में रखना है कि आप उनसे कन्वर्सेशन करो, बहुत ज़्यादा पॉज ना लो और बहुत ज़्यादा नर्वस ना हो जाओ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि जनरल इंटरव्यू में भी आपको पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए और ज़्यादा लंबे लंबे आंसर ना बताइए। अगर आपने शॉर्ट भी आंसर दे दिया तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिव अपना आंसर जो है या फिर आपका निगेटिव साइड पोर्ट्रे ना कीजिए, वीकनेसेस को भी सही से दिखाइए। सेकेंड है कि वो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है चेक कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लेवल की इंग्लिश नहीं बोलनी है, सिंपल ही इंग्लिश या फिर सिंपल सेंटेंस जो आपके मन में आ रहे हैं वो आप बोल सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में भी हो तो भी आपको अपने पास्ट एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपका मेजर क्या था, आपके सब्जेक्ट कौन से थे, आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, आपका CGPA क्या था। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन था कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो आजकल इस क्वेश्चन को भी थोड़ा अलग वे में पूछते हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट अदर, आपकी सेकेंड प्रायोरिटी क्या थी, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाइए। जो भी आप कोर्स अपने मास्टर्स के लिए करने जा रहे हो उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल या फिर टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जैसे कि आपके सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये आपका जो कोर्स है वो मास्टर्स का या फिर जो बैचलर का कोर्स है आपके प्रीवियस स्टडी से कैसे रिलेटेड है, आपके कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, आपका थीसिस प्रोग्राम है या नॉन थीसिस प्रोग्राम है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। अभी आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि क्यों हैदराबाद कॉन्सुलेट में इस बार वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिसकी वजह से स्टूडेंट ब्लैंक होते हैं, वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं। अभी तो आपको सारे क्वेश्चन पता हो गए हैं, तो यही आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसका आंसर प्रिपेयर करके रखिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि वहाँ पर जाकर आप ब्लैंक ना हो जाए। अगर आपका भी वीज़ा इंटरव्यू हैदराबाद कॉन्सुलेट में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वीज़ा रिजेक्ट हर कॉन्सुलेट में होता है, बस आप जो है अच्छे से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके जाइए। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
सबसे पहली और कैजुअल कन्वर्सेशन में वो आपको कैजुअल ऐसे को कैजुअल कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपका इंटरेक्शन हो आपके